कंटेस्टेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। एक महीने बाद मोदी सरकार अच्छे दिन बनाम कड़वी गोली के बीच कैसी है परिवर्तन की बयार। 16 मई 2014 को लोकसभा के परिणाम आए, चुनाव के परिणाम आए। बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 मई को उन्होंने शपथ लिया, सरकार नहीं बनी। और उसके बाद लगातार तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबार, देश के लोग उनसे काफ़ी जो भी वो कर रहे हैं उस पर नज़र लगाए बैठे हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि 30 दिनों के बाद, एक महीने के बाद मोदी सरकार किस तरह देश को कर रहे तैयार, किस दिशा में देश को लेके आगे जा रहे हैं। जो कुछ इस 30 दिनों में हुआ है उसमें भी काफ़ी कुछ है, बहुत सारे विवाद भी हुए, बहुत सारे निर्णय भी हुए। इससे पहले कि उन पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, नंदकिशोर गर्ग साहब हैं बीजेपी के नेता हैं, अनीश दुरानी साहब हैं कांग्रेस के नेता हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हम चाहेंगे कि इससे पहले हम शुरुआत करें, हम चाहेंगे कि बहुत संक्षिप्त में, एक एक मिनट में, 60 सेकेंड में अपनी अपनी बातें, एक सरकार के बारे में 30 दिन की जो चीज़ हुआ है उसको कैसे आप देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए नरेंद्र, एक महीना किसी सरकार के कार्यकाल का ऐसा नहीं है जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सके या उसके भविष्य की दिशा दशा का आकलन किया जा सके जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस प्रचंड उम्मीद, प्रचंड आशाओं के आवेग पर सवार होकर के सत्ता में पहुंचे हैं, उसमें देश में भी और भारत में अभिरुचि रखने वाले दुनिया भी ये देख रही है कि इसका एक एक कदम क्या होता है। इस नाते एक महीने का महत्व है, इसके आधार पर एक भविष्य का खाका खींचा जा सकता है। और एक महीने में इस सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनमें कई फैसलों से मेरी असहमति तो है, लेकिन ये लग रहा है कि सरकार आने के बाद वाकई काम कर रही है। सरकार का जो काम है वो परिवर्तन की दिशा की ओर है, वो उन दिशाओं की ओर है जो वायदा करके पहुंची है। यही सवाल हम अदीब साहब आपसे जानना चाहते हैं, 30 दिन के बाद मोदी सरकार। नहीं, अवधेश जी की बात बिल्कुल सही है, 30 दिन में कोई कारनामा नहीं होता। और 30 दिन में भी पिछले 15 दिन तक तो ऐसा लगता था कि अभी मोदी सरकार ये समझ रही है इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन मोड में थे वो। पिछले 10-15 दिन से अब वो सरकार में बैठे हैं तो अब प्रॉब्लम सामने आना, उनको फेस करना उन्होंने शुरू किया है। इसलिए कि उनका कहना ये था कि जब इलेक्शन लड़ रहे थे कि चांद को ज़मीन पे ले आवेंगे, सितारों को समंदर में गोता खिलाएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन से दुनिया बदल देंगे, तो आशाओं के ऊपर इतना बड़ा अंबार लगा दिया था। अब उसका उन्हें जो मुश्किल आ रही है, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा करना पड़ेगा कि इस वक्त वर्ल्ड इकॉनमी भी बड़ी प्रॉब्लम में जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो कहा एक मिनट में, मैं समझता हूं कि अब वो आपके पास मैं लौट के आऊंगा अदीब साहब, एक मिनट में यही सवाल हम जानना चाहेंगे नंदकिशोर गर्ग साहब से, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली से हैं, विधायक भी हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया भी कुछ बहुत जल्दी में 28 दिन को एक महीना कहना शुरू कर दिया, उसके अंदर से अभी तक सरकार का पूरे जमावट का काम राष्ट्रपति 24 है जी, 6 दिन और 24 31 दिन नहीं हुए, 30 पर चलो आप कर लो क्योंकि जल्दी में है ना आप लोग जी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से मोदी सरकार देश में क्या चाहती है वो स्पष्ट रूप से सामने आया है। और अब 7 तारीख से, जुलाई से और 14 अगस्त के बीच में हमारा रोड मैप, जिसकी एक्सपेक्टेशन सबको है कि हम क्या करने वाले हैं, बजट के माध्यम से सारी चीज़ें आएंगी। आज अभी तो जो कांग्रेस के फैसले थे, जो करते करते खड़गे साहब का बयान नहीं आ रहा, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि रेल के ऊपर बोलें, जिन्होंने साइन करने में आखिरी क्षण में मना कर दिया, कि आज जो कुछ है, आज 6.5% ये पवन बंसल जी एक बात कह के गए थे कि हर 6 महीने रिव्यू होगा, रेल भाड़े पे हल्ला गुल्ला करना, तूफान के ऊपर हल्ला मिला करके आप आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की नीयत के ऊपर और उनके जो उनके सिग्नल्स हैं
कि सब रिश्तेदारों को, मित्रों को, पार्टी के लोगों के कौन को किसको रखना है, करप्शन के जो कारण बन सकते हैं उन सबको दूर करने का एक प्रयास अच्छा किया। प्रयास किया, एसआईटी का गठन किया है। अनीस साहब, इस बात से तो खैर मैं भी सहमत हूं कि 30 दिन में क्या जांचा जाए और क्या परखा जाए, नहीं जांचने या परखने की बात नहीं है, लेकिन जिस दिशा में वो जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि अभी जो उन्होंने असल में ऊंचे ऊंचे वायदे किए हैं तो हम अभी काम को नहीं परख सकते, काम तो अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन जो इन्होंने ऊंचे ऊंचे वायदे किए हैं, बड़े बड़े वायदे किए हैं, वो उसका पोल खुलता हुआ अभी से नज़र आ रहा है। अब इन्होंने 2012 का मुझे याद है, 2012 में रेलवे बजट से पहले एक हफ्ता पहले किराए बढ़ा दिए गए थे, वही डिट्टो इन्होंने किया है अब मोदी जी ने। तो कांग्रेस के अंदर सारे कीड़े निकालने के बावजूद आप भी वही कर रहे हो जो करें। आपने डीजल का कहा कि डीजल में ये हर महीने किराया बढ़ रहा है, पैसा बढ़ाया जा रहा है, तो वो तो अब बड़ा मैं समझता हूँ बड़े भाग्यशाली हैं कि इराक के अंदर मुसलमानों ने हंगामा कर दिया तो मोदी जी को थोड़ा शेल्टर मिल जाएगा, इराक का नाम लेकर बेचते रहेंगे बहुत दिन तक। लेकिन प्रैक्टिकली जो बात यह है कि कोई पॉलिसी अभी तक वाजा उनकी नहीं हुई है, आशा करता हूँ मैं कि अच्छी कोई पॉलिसी वाजा करेंगे इसको और सही रास्ते पर लेकर आएंगे। बिल्कुल सही रास्ते पर लेके आएंगे। पुष्पल, मैं समझता हूँ कि देखिए जितने भी 10-15 अगर हम फैसले देखें और जो विवाद देखें इस एक महीने के अंदर, चाहे उस पर विवाद रहा हो कि वीके सिंह का मामला उठा और फिर संसद में जिस तरह से अरुण जेटली ने लाइन ली, या आप देखें कि इराक का मामला है इस पर सरकार क्यों चुप है, या आप देखें कि एक मंत्री जिस पर विवाद है, एक बलात्कार के आरोप हैं या जो भी आरोप हैं उस पर मोदी जी चुप क्यों हैं, तो कहीं कहीं हमें चुप्पी उनकी जो है वो खलती है और कहीं कहीं उनका जो बोलने की ज़रूरत होती है जो आना चाहिए वो खामोश है। जबकि उनको शुरू में ये कहा जा रहा था कि पिछले 10 साल एक प्राइम मिनिस्टर बोला ही नहीं और ये प्राइम मिनिस्टर बोलने से थकता नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों पर देश के सामने उनको आना चाहिए था वहां उनकी खामोशी भी है। और कुछ फैसले ऐसे भी हुए हैं जिसमें मैं समझता हूं अक्रॉस द पार्टी लाइन भी लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्रियों के निजी स्टाफ को लेकर के परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर एक लाइन का आदेश दिया और वो लाइन आदेश फिर इंप्लीमेंट भी हो गया। तो कुछ कुछ फैसले तो लगते हैं कि उन्होंने लिए हैं और उनका आदेश का पालन भी हुआ है। जैसे गवर्नर्स का विवाद है, इस विवाद के ऊपर सरकार का डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो वो 2010 की बात कह रही है जहां बीपी सिंघल साहब खुद कोर्ट गए थे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 2004 में भी ऐसे हुआ था। तो कहां कहां सरकार को बोलना चाहिए था या पक्ष आना चाहिए था उस पर खामोशी भी है और कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो अक्रॉस द पार्टी लाइन अप्रिशिएट किए गए। दो सवाल उभर के साफ आ रहा है सामने। एक, कि क्या ये अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत हो चुकी है? क्या ये इसे कहा जा सकता है कि वाकई एक बहुत ही जिसकी शुरुआत कहते हैं अच्छी हो चुकी है? या दूसरा है, एक विचार आ रहा है कि जो पुरानी चीजें हैं उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप जो बड़े बड़े वादे करके आए थे या जो चीजें आप लोगों के बीच में बोल के आए थे उसकी शुरुआत यहां से नहीं दिख रही है। अदीब साहब, आपसे शुरुआत करेंगे फिर से। देखिए, पुष्पेंद्र ने बहुत बुनियादी बात की सोहर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी जो है मिसाल के तौर पर हम जैसे समझते हैं अपोजिशन की बात नहीं है, रेल का किराया बढ़ना वाजिब था, इनको कहना चाहिए कि भाई हमें जरूरत है। कहा क्या, ये तो कांग्रेस ने किया था, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये कोई डिफेंसिव लाइन हो गई, यानी कांग्रेस ने किया था हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने नहीं करा। कहना ये चाहिए था कि भाई ये हालात हैं, हमको रेल को ख़त्म नहीं करना है, रेल को लॉस नहीं करना है, लेकिन क्योंकि ये पहले हंगामा कर चुके हैं इसलिए इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस कर चुकी थी, हमने कर दिया। एक साहब का बयान आया कि हिंदी के लिए, उस पर बवाल खड़ा हुआ, फौरन ये कहा कि ये तो कांग्रेस ने किया था फला माई को, हमने इम्प्लीमेंट किया जी। तो ये जो शेल्टर है ये शेकी कर देता है कि ये डिसीजन करके कितने दिन चला पाएंगे, लेकिन हम अभी भी ये कहते हैं कि गिव हिम और उनको टाइम दीजिए। उनके पास 60 महीना है, लोगों ने टाइम दिया है। सवाल ये है कि शुरुआत किस तरह की है, क्या वो ये वही शुरुआत है जिसकी शुरुआत से देश की दशा और भाग्य बदल सकते हैं? नरेंद्र मोदी भाई, इनका कहना ये था जिसपे इनको वोट मिला है जी, वोट मिला है कि साहब भ्रष्टाचार है, वोट मिला है गरानी है, महंगाई है, महंगाई की हालत आप देख रहे हैं, कंट्रोल में किसी के भी हाथ में नहीं है, मोदी साहब की सरकार को भी आसानी से महंगाई नहीं रोक पाएंगे। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है जी, मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ कोई सेंटर ने आज तक उस पर बयान नहीं दिया, खामोश है बिल्कुल। ये वही तरीका है
चलिए, जो या तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जैसा बोलते थे जी, या तो मनमोहन सिंह जो कुर्सी छोड़ के गए उसमें कोई ऐसा तंत्र लगा हुआ है कि चुप्पी हो जाती है जी। अब मोदी साहब पिछले 10 दिन से जब से सरकार चला रहे हैं चुप मौन बैठ गए जी। अब जो आदमी रुकता ही नहीं था जी, वो इतने इतने कांड हुए जा रहे हैं, अब मुझे लगता है मौन में बैठ गए वो। दिलीप जी, मेरे ख्याल कुर्सी का कुछ असर लगता है मुझे। साहब को डाइवर्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो हुआ उसकी जांच किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने उसका भंडाफोड़ किया जी, नहीं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, नहीं हाई कोर्ट बात मत कीजिएगा, जैसे कांग्रेस कहती थी कि हमने करा, वो सुप्रीम कोर्ट ने करा था, नहीं हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया। मध्य प्रदेश में हम चर्चा कर लेंगे अलग से, वो अलग चर्चा का विषय है, मध्य प्रदेश में हम चर्चा कर लेंगे और भ्रष्टाचार की बात केवल एक इशू पे। मध्य प्रदेश ढाई साल में इतने बड़े सवाल है कि जिस दिशा में देश को ले जाने की पहल शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है वो कितना बेहतर है। 60 महीने में से 59 एक महीना गुजर चुका है। हालांकि हमारे जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं मीडिया जल्दी में है, आप उसको 28 दिन को 30 दिन कह रहे हैं, चलिए जो भी हो, फिलहाल एक और दो दिन सवाल है। नहीं तो उनका दो दिन का कार्यक्रम हम लोग दो दिन जमा, हमको भी कल ही लिख के देना है, तो परसों तो हो ही जाएगा ना एक महीने। जी 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 जी, तो कैसे आप चर्चा करके हम लोग को यह अन्याय नहीं कर रहे हैं जी। कल को इतना बड़ा निर्णय अन्याय नहीं का जल्दबाजी का है, जल्दबाजी नहीं है वो, एक आध दिन पहले होता ही है। कल कोई मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा निर्णय हो जाएगा जिसको शायद इसको महीनों में देखना अनुचित होगा, ये उचित नहीं है कि आप जहां पे इतने बड़े है जी। कि नंद किशोर गर्ग जी ने 1977 की सरकार को देखा था, उस सरकार ने एक सप्ताह में जितने काम कर दिए थे वो भी इस देश में एक रिकॉर्ड है। बहुत सारे निर्णय जो आपातकाल के थे उनको बदलने का काम एक सप्ताह के अंदर हो गया था, उसके लिए एक महीना भी समय नहीं लगा था और मंत्रिमंडल ने काम किया था जी। वो पहली बात तो है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ भी मंत्रिमंडल ने पहला SIT जो काला धन भ्रष्टाचार, बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए ना, अब जरा बोल तो लूं। इसलिए मेरे सामने एक मानक है जी नरेंद्र मोदी का, मैंने पहले ही कहा कि आने के साथ ये लगा है कि पिछले मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में तो कई ऐतिहासिक काम हुए हैं जिसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जो एक प्रकार से जड़ता की स्थिति आ गई थी कि ना तो कोई ब्यूरोक्रेट कोई काम करना चाहता था, ना कोई मंत्री था, किसी मंत्री और ब्यूरोक्रेट पर दबाव डालने की हालत में नहीं थे, 10 जनपद का दबाव आ जाता था, उस जड़ता से उससे देश बाहर निकला है अब जी। तो जो मेन काम मोदी का था कि देश काम करते हुए दिखे, अब उसके कुछ आदेश आप ध्यान दीजिए, मैं SIT पर बात अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब फारस मुद्दा है, उतने पैसे हमारे देश के हैं ही नहीं स्विट्जरलैंड में जितना कि हंगामा किया जा रहा है और आने वाला नहीं है, मैं 2006 से इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसने सीट गठित कर दिया जो सरकार नहीं कर पाई थी वो इनका कार। लेकिन मूल चीज देखिए जो क्या काम किया है, पहला कि 18 घंटे मंत्री काम करें, जो 10 सूत्री एजेंडा दिया उसमें पहले दिया कि भैया 18 जो है घंटे मंत्री काम करें और 6 दिन कम से कम हफ्ता में काम करें, यानी आपको काम करना है। जब मंत्री काम करेगा तो ब्यूरोक्रेट्स को भी काम करना पड़ेगा, इसलिए सारे ब्यूरोक्रेट से उसने खुद मुलाकात की और ये कहा कि ब्यूरोक्रेट सीधे भी मुझसे मिल सकते हैं और मैं किसी भी मंत्रालय का कभी भी निरीक्षण कर सकता हूं, तो उससे एक एक एक, एक जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिफाइड हो जाना, वो एक एटमॉस्फियर वहां बना है। दूसरा जो उसने निर्णय किया कि कोई भी मंत्री अपने रिश्तेदार को PA नहीं रखेगा, कोई MP अपने रिश्तेदार को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएगा, तो वो भी एक उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है। कई मंत्रालयों को मिला करके कुछ बनाए गए, कुछ मंत्रालय हटा के सुपर मिनिस्ट्री बनी, जैसे जल संसाधन में आपको गंगा सफाई योजना बनी, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि काम हो रही है। फिर मंत्रियों को सादगी बरतने, जनता की बात सुनने, जो मेल आ रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई करने, और जो हिंदी भाषा में चीजें आ रही है, पहले क्या था कि हम लोग कोई हिंदी में लेटर लिखते थे मंत्रालय में तो पहले वो अंग्रेजी में अनुवाद होकर के तब मंत्री के पास जाने की परंपरा थी सचिवालय में, वो चीजें चेंज हो रही है, तो यहां तक तो चीजें समझ में आती है। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने जो सीधे जनता को प्रभावित करने वाले निर्णय किए हैं, जैसे रेल भाड़ा बढ़ाना, मेरा मानना है कि ये तरीका और इसके पीछे दिए गए तर्क दोनों गलत थे। रेल भाड़ा के हम लोग भी समर्थन में थे जब पवन बंसल ने बढ़ाया था 5%, 10%, जब दिनेश त्रिवेदी ने 30 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया, बीजेपी के नेताओं को मैंने कहा कि आप गलत विरोध मत करिए,
रेल के भाड़े को आप इस ढंग से मत लीजिए कि बसों के भाड़ा बढ़ जाए, टेम्पो के भाड़ा बढ़ जाए, का तेल के दाम बढ़ जाए और नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो मानते नहीं थे। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री की जो इस एक महीने में सबसे बड़ी भूल हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने देश को संबोधित नहीं किया है। जो अभी अदीब साहब कह रहे थे, मैं भी इसको लिख चुका हूं कि देश की जो पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो रेलवे की सिचुएशन है, उनको देश के सामने आ करके और बताना चाहिए था कि ये सिचुएशन है, इसमें आप सबका साथ चाहिए। केवल वो पणजी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कह देने से कि हमको कर भी दबा मिलेगी, यही भूल भाजपा कर रही है जो कांग्रेस करती थी कि शायद मीडिया में कुछ लोग जा करके टेलीविजन पर बयान दे देंगे तो उससे जनता समझ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसके कारण देश में गलतफहमी फैल रही है कि ये आदमी महंगाई घटाने की बजाय, क्योंकि आप जब पूछते थे कि क्या महंगाई घटी 100 दिन में, तो आप इस सरकार को हराओगे कि जिताओगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मजाक में लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो आते आते महंगाई बढ़ाने लगा, ये माल भाड़ा बढ़ गया। तो ये एक जनता से संवाद करके लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय करने की जो अपेक्षा थी कि आप हर निर्णय में जनता को शामिल करिए, उसमें कमी दिख रही है। और मेरा निवेदन होगा, मैंने लिखा भी है और बोला भी है कि प्रधानमंत्री इसको शुरू करें ताकि जनता को भी लगे, उनके समर्थकों को और विरोधियों को भी, कि वाकई निर्णय में हमारी सहभागिता है। ये सबसे बड़ी फेलियर है इस समय, और इस कारण एक वातावरण और क्वेश्चन इस सरकार पर खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी असफलता इस सरकार की विफलता ये है कि आप जनता से, जो नरेंद्र मोदी लगातार संवाद कायम कर रहे थे मतदाता से, सरकार बनाने के बाद जनता से उसी संबंध को, उसी संपर्क को, उसी शैली में, उसी तरह से आप उनसे अलग हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, या आप संवाद स्थापित नहीं कर पा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, वैसा प्रधानमंत्री का भाषण, आप पुराने सब पत्रकार, अदीब साहब भी बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, क्या उसके अंदर पूरे देश को एड्रेस नहीं किया गया? राष्ट्रपति ने चलो जो लिख के दिया तो पढ़ा, पर जो नरेंद्र मोदी जी ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो बोला, उसके अंदर पूरे देश को जो समस्याओं क्या क्या हैं और किस स्थिति में देश को आज छोड़ा हुआ है, उसमें कड़वी दवा की बात नहीं थी। नहीं, कड़वी दवा की बात जरूरी नहीं की, पर ये रेल भाड़ा बढ़ाने की बात नहीं थी। नहीं, रेल भाड़ा बढ़ाने की बात 6.5% हर 6 महीने में, ये पवन बंसल जी के बजट भाषण का मूल था कि हर 6 महीने में। सर तो फ्यूल देश को बताएंगे क्यों नहीं, बताया ऑलरेडी, बताया हुआ है कि फ्यूल एस्केलेशन और सैलरी वगैरह को एडजस्ट किया जाएगा। आप प्रसन्न रहिए, अब आज प्रसन्न किया, इतनी ज्यादा इस देश के 125 करोड़ लोगों को जो पैनिकी करने की आदत होगी ना हर चीज में, और मीडिया मेरा इराक में 10,000 भारतीय फंस गए, उसमें 800 हरियाणा के हैं, 400 उसमें पंजाब के, मैं समझ नहीं पा रहा इस देश को, हम पूरे देश को एक ना मान के उसमें स्टेट वाइज चले जाते, फंस गए नहीं फंस गए, अपने आप गए थे, कोई भारत सरकार ने तो भेजे नहीं, ना कांग्रेस ने भेजे ना हमने भेजे, वो गए थे काम करने गए थे, कमाने गए थे। आज उस स्थिति के अंदर एकदम देश को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 भारतीय किडनैप हो गए, कितने उसमें से मूल रूप से गए हैं, कितने उससे वैलिड वीसा से गए हैं, कितने इनवैलिड, कोई मीडिया को इतनी तो तथ्य दे। दूसरा कल चीनी के लिए आपने भी लिख दिया, तो ये सरकार चीनी को किसानों को बचाने के लिए आज की तारीख में चीनी रखने की जगह ना हो और इंपोर्ट चीनी हो, एक्सपोर्ट ना के बजाय, तो हमने क्या किया, इंपोर्टेड चीनी के ऊपर ड्यूटी लगाई और एक्सपोर्ट पे 3 रुपए किलो की उसको सब्सिडी दी है। किस लिए थे? ताकि इस देश का किसान बचा रहे, इस देश के किसानों के गन्ने का 11,000 करोड़ रुपए जो बाकी है वो वापिस जाए, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की इजाजत दी ताकि पेट्रोल की शॉर्टेज है। अब ये पॉजिटिव चीज है, ये निर्णय है, उसको वही कह रहे हैं, अवधेश जी कह रहे हैं, इन चीजों को आप जो संवाद नरेंद्र मोदी मतदाता के साथ था, रामविलास जी ने किया है जितनी उनकी काबिलियत थी, परंतु क्या मैं आप लोगों से, इस देश के मीडिया से, प्रबुद्ध वर्ग से, राजनीतिक प्राणियों से, क्या रेलवे का मुझे बता सकते हैं कुरैशी या अपने भाई कि इसका दूसरा अल्टरनेट क्या, क्या अदीब साहब, ये प्रश्न नहीं है, है ना प्रश्न, ये हम लोगों को गुमराह करने के लिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये कदम सही है, लेकिन देश को विश्वास, ये मनमोहन सिंह यही तो कर देते थे कि कर दिया और देश को, आप मेरा कहना ये है कि सरकार, अरुण जेटली ने एक्सप्लेन करके बताया है सारी चीज, कोई एक्सप्लेन नहीं हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की, लेकिन चीनी 2 रुपए बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, तो आरजीए जो आदमी कमाने के लिए बढ़ी, कल ठीक हो जाएगी, चीनी का भाव तय करने के लिए एक न्यूज के कारण से घटती बढ़ती, मुझे भी मालूम है, हम प्याज के कारण बाहर हैं 15 साल से, जबकि प्याज 5 रुपए में भी बिकता है, 70 रुपए में भी बिकता है, फसल के ऊपर डिपेंडेंट है, नासिक के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बात अवधेश जी ने कहा, जो बात
कह रहे हैं कि अवधेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रोज मीडिया में आके बताए। रोज नहीं कह रहा, नहीं संभव है, नहीं नहीं रोज नहीं, कम से कम सरकार के दिल्ली देश के इकोनॉमिक सिचुएशन पर आपको अगर बढ़ाने है ना, उसका प्राइम मिनिस्टर को आना ही चाहिए। नहीं वित्त मंत्री है ना, और फिर पार्लियामेंट में आ रहे हैं 7 तारीख पूरे देश चलता है। एक सेकंड, मैं देश की जनता जो 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 बात अवधेश जी कह रहे हैं, गर्ग साहब कह रहे हैं, उसके आगे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है प्रधानमंत्री किसी रणनीति के तहत न आ रहे हों, न मुखातिब कर रहे हों, न लोगों को बता रहे हों, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जिस तरीके की ये बात कही जा रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में चली गई है, बिल्कुल खराब हो गई है, इस सरकार को अर्थव्यवस्था और रेलवे, ये दो चीजों पे जो इन्होंने अपनी बात कही है, और रेलवे का किराया बढ़ाते वक्त भी ये कहा गया कि साहब ये तो जो स्थिति थी 900 करोड़ रुपए जो हर महीने इस पे लॉस पे जा रहे थे, क्या भारत सरकार की, भारत की अर्थव्यवस्था और रेलवे की स्थिति के ऊपर जहां ये कदम था वहां व्हाइट पेपर जारी करने में क्या दुश्वारी थी? उस व्हाइट पेपर जारी करिए, नहीं मैं कह रहा हूं व्हाइट पेपर आ जाने, व्हाइट पेपर आ जाने से दूध का दूध पानी का पानी होता, एक। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी, आप ये बात कहते हैं कि लोकल मामलात पर नहीं बोलना चाहिए, समझ में आता है, लेकिन भारत इस खित्ते की जिसको कहते हैं कि नुमाइंदगी और नेतृत्व और लीडरशिप करना चाहता है, आप भूटान गए बहुत अच्छी बात है, आपने तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश वो भी बहुत अच्छी बात है, आप पाकिस्तान से संबंध सुधार रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त दुनिया में पहला क्राइसिस आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर हैं, इराक के अंदर भारतीय फंसे हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, उससे आगे न भारत सरकार देख रही है, न विदेश मंत्रालय देख रहा है, न वो इस बात पे कहीं क्या चिंतन मनन हो रहा है कि तेल की कीमत बढ़ेगी और हमें कितना मिलेगा। मैं कह रहा हूं इससे तीसरी बड़ी बात है, जहां वर्ल्ड पावर बनने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद में दुनिया के मुसलमान रहते हैं, शिया सुन्नी का मामला है, वहां एक वहाबी सेक्शन जो है जिस तरीके से किलिंग कर रहा है, बगदाद में आगे बढ़ रहा है, क्या इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर भारत की तरफ से यह मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि यह जो फोर्सेज हैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, कहीं करबला की तरफ पहुंची और वहां कुछ हुआ तो यह पूरा सहनिया जो है उसमें हम भी लपेट में आएंगे, पड़ोस में पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, इसके ऊपर भी भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप वर्ल्ड लीडर बनने की बात कर रहे हैं लेकिन वर्ल्ड स्टेटमेंट की तरह कोई आपका बयान तक नहीं है कि भारत की क्या पोजिशन है, भारत कहां लेगा, आप इस मुद्दे को यूएनओ में नहीं उठा रहे, कहीं कोई लॉबिंग नहीं कर रहे, आप 50 आदमी छूट जाए, तेल महंगा होगा, तेल की आपूर्ति होगी, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। इससे लगता है कि क्या भारत सरकार जो है सिर्फ इस मुद्दे पे अटकी हुई है कि 50 परिवारों के रोते हुए लोग टीवी पे चले जाते हैं, सुषमा स्वराज उन्हें भरोसा दे देती हैं, अरे वो छूटेंगे, वो एक प्रोसेस है, लेकिन भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको भी आप गेन नहीं कर पा रहे। मेरा कहना यह कि इन तीन मुद्दों पे चुप्पी मुझे नरेंद्र मोदी की ताज्जुब पैदा करती है। जी चलिए, मैं इस पे एक बात और आगे बताना चाह रहा हूं दिलीप साहब जी, जो पुष्पेंद्र ने कहा 1990 में जब ये गल्फ वार शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि विद इन 24 आवर्स फॉरेन मिनिस्टर गुजराल, जबकि बड़ा कमजोर प्राइम मिनिस्टर था वीपी सिंह, गुजराल 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए थे चंद्रशेखर, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने उस वक्त वहां 18,000 इंडियन काम करते थे और उन्होंने एक हफ्ते में सब निकाल लिए अपने आदमी, उसका मैंने आज ही पढ़ा एक अखबार में कि कैसे प्रोसेस किया था। अभी पुष्पेंद्र ने बहुत सही बात कही कि हम एक तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम वर्ल्ड लीडर हैं और होना चाहिए हमें, लेकिन हम क्या सिर्फ भूटानी तक होके चले आएंगे, पूरी दुनिया भाग रही है और हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ये मालूम है कि ये जो मूवमेंट वहां इस वक्त चल रहा है जी, ये एक सेक्ट है जिसको कहते हैं नक्शबंदिया, जिनके पीर सब यहां मजारे हैं, ये नक्शबंदिया मूवमेंट चल रहा है वहां, नक्शबंदिया हिंदुस्तान में जितने ज्यादातर मजार हैं, मेरा ख्याल है ये बताएंगे हमारे अनीस भाई कि ये नक्शबंदिया मेरे ख्याल से उस पर चर्चा कर लेंगे, निजामुद्दीन में नक्शबंदिया से हैं, वापस आते हैं जहां पे इसको घेरना चाहिए था जी, क्योंकि नक्शबंदिया का पूरा सिस्टम हिंदुस्तान में था। अदीब साहब, इस देश की फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन सेक्रेटरी, सारा निजाम कैबिनेट सेक्रेटरी से वही, जिस विषय के ऊपर मैं मानता हूं नरेंद्र भाई मोदी का विदेश के मामलों में और मुस्लिम मामलों में बोलने से पहले 4 बार सोचना उनके लिए इसलिए जरूरी है कि उसकी उनकी इमेज आप जैसे लोगों ने 12 साल में ऐसे बना दी है। और देखिए पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हम लीडर, कौन बोला हम वर्ल्ड का लीडर, चलिए चलिए जो ओबामा तो वर्ल्ड का लीडर है,
जिसने इराक समस्या को खड़ा करवाने में पिछले 15-16 साल में पूरे अमेरिका के षड्यंत्र से ही सद्दाम का इशू बना, उसके बाद नहीं है। लेकिन ये एक इंटरनेशनल इशू ऐसा है जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार को वाजे तौर पे दुनिया को मैसेज देना चाहिए था। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें लोग सुनना चाहते थे। अभी हमने हमने इसी पर इस मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी नरेंद्र मोदी से उम्मीद मैंने भारत सरकार ने बयान नहीं दिया। गर्ग साहब पुतिन साहब बोले हैं वो मलिके के साथ भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हमारी आगे क्या पॉलिसी है? कौन बोला? कोई मुस्लिम नेता बोला है? इस्लाम का झंडा उठा के चलने वाला कोई नेता बोला कि ये वहाँ शांति होनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ओआईसी उनमें से कोई बोला है? हम लोग भी बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। मैं 1990 से इसकी तुलना नहीं करता हूँ, क्योंकि उस समय जो युद्ध हो रहा था उसमें भारत विरोधी न तो अमेरिका था, न इराक था, न कुवैत था। उस समय निकालना आसान था। मैं फंसे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस 125 करोड़ के देश का अगर 39 आदमी वहां किडनैप है, एक आदमी जो है किडनैप है अफगानिस्तान में, उन दरिंदों के हाथ में है, और हम पिलपिल पिलपिल कह रहे हैं कि ईश्वर से दुआ करिए। विदेश मंत्री कहती हैं, रोज आकर के जो है विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता अंग्रेजी में 4 लाइन बोल दे रहा है। क्या हमारे पास एक कुब्बत नहीं है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करें? तो हम क्या है इस देश में आज? अगर अमेरिका का, चीन का, या सुन लीजिए, अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल, इन 4 देशों का आदमी अगर ऐसे किडनैप हुआ होता तो जरा देखिए उनका क्या रवैया होता। तो नरेंद्र मोदी मैं, ये मुसलमान का मामला नहीं है, ये देश के कुब्बत का मामला है और देश के सम्मान का भी मामला है दुनिया में। चलिए, ये संदेश देना, ये फेलियर है इस गवर्नमेंट की। संदेश देने के लिए जल्दबाजी में तो सैन्य भेज दी जाएगी। अभी मुझे लगता है 15 दिन उस क्राइसिस को, 15 दिन सरकार को बने हुए, तब क्या करेंगे आप? इतना भारत का डायरेक्ट उसके अंदर क्या लेना देना है? बिल्कुल भारत का एक नागरिक भी कहीं फंसा है वहाँ दिखाना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड के लोग हैं वहाँ। कौन सा देश बोल रहा है? यूएन क्यों नहीं बोल रहा है? अवधेश जी, मतलब इसी जो एक्सपेक्टेशन करना है इतना। ये दो बड़ी फेलियर है सरकार की। इराक मामले पर लगता है कि हम पिलपिल और कायर देश के वासी हैं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन कायर और कमजोर देश का नागरिक होने का अपमान मैं नहीं झेल सकता हूँ। ये इस सरकार के कारण हमको झेलना पड़ रहा है। मैं लेकिन इसके आगे उसके बढ़ते इराक से 40 साल से झेल रहे हैं, फिर हमारे इराक से आगे बढ़ते हैं, इराक से आगे बढ़ते हैं, इराक से आगे नहीं। लेकिन ये इशू है समय देश के सामने, प्राइम इशू है। हमारा आदमी मारा, अगर हमारा आदमी किडनैप है तो सबसे बड़ा इशू है ये। अवधेश जी आगे बढ़ते हैं। आपको याद है 26 मई को नरेंद्र मोदी ने सार्क के तमाम नेताओं को आमंत्रण दिया था शपथ ग्रहण में, वो भी एक शुरुआत थी, उसको भी देखना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, वो भी एक अच्छी शुरुआत। उसमें ये कहीं नहीं था कि हमारे लोगों को कोई गर्दन पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। सही इशू था, उसको तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। आतंकवादी चाहते यही है कि आतंक का जवाब आतंक से दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। एक आदमी को गिरफ्तार हो गया, फौज भेज देंगे अफगानिस्तान। नहीं, आप ये देखिए, चलिए वापस आते हैं जरा। आप देखिए रक्षा क्षेत्र में उन्होंने INS विक्रमादित्य पे जाके खुद से उन्होंने वो गोवा गए और गोवा में जो जितनी जो काम हुआ 30 दिन, और वो उसमें जो हमारे मनमोहन सिंह जी फाइटर के अंदर उड़े थे, नई पहली बात नहीं हुई है। मनमोहन सिंह जी फाइटर के अंदर सेनाओं के चीफ से मीटिंग लेना नहीं है इन चीजों की। ये बात जो अभी उठ रही है वो बेसिकली ये उठ रही है। आप बताइए आप क्या करते हैं? आप बताइए कांग्रेस हमने हम ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब बुला के बिरयानी खिलाती है पाकिस्तानी को, आज क्या करते हैं बताइए? हम उनको बुलाते हैं कि आप हाजिर रहिए, हम करते बैलेंस होना चाहिए इस चीज के। बैलेंस अनीस जी, अनीस साहब आप देख रहे हैं कि तमाम, हम तो सिर्फ आज जो हमारा फोकस है, जो मुद्दा है वो ये है कि 30 दिनों में जो जिस तरह की झलकियां मिल रही है, आप 30 दिन में सिर्फ झलकी देख सकते हैं, कुछ शुरुआत देख सकते हैं। आप इस चीज़ को नहीं देख, क्या इस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हैं कि सरकार ने तमाम सेक्रेटरी, तमाम मंत्री, तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार रोकने के जो प्रयास किए हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, ये 3 अहम मसले हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से पूछे कितने बेचारे दुखी बैठे हुए हैं
मोदी जी ने यह मैसेज दिया कि भैया जो कुछ डील करनी है सेक्रेटरी सीधा मेरे से डील करवाओ आगे मंत्री मंत्री को इसके अंदर से साफ कर दो। और सारे मंत्री सोच बताइए केवल सारे मंत्री हो रहे हैं। अच्छा उस पर चर्चा ये की जा रही है कि कोई भाई भतीजा नहीं रखेगा। आप मुझे ये बताइए पिछले मंत्रिमंडल के अंदर नौकरी के अंदर सिवाय एक बंसल का मामला सामने आया था तो वो जो जेल के अंदर कौन पकड़ा गया था वो मुलाजिम नहीं था गवर्नमेंट का, वो उसका भतीजा था। कौन कौन का जेल गया था ये कहना, लेकिन जो कर रहे थे वो भतीजा वाला काम वो मंत्री वाला काम वो कर रहे थे, इसलिए उसके नहीं जाते। डायरेक्ट डीलिंग करो भैया हमसे, सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में लाने का जो प्रयास है उसको नहीं देख रहे। आपका मतलब ये है कि मंत्री जो है सक्षम नहीं है? मंत्री नहीं, आपके मंत्री सक्षम नहीं है फैसला लेने के लिए? मंत्री सक्षम नहीं है, आपके ब्यूरोक्रेसी सक्षम नहीं है? क्योंकि जो बड़े टॉप के ब्यूरोक्रेट सब गुजरात से इंपोर्ट करे हैं, शर्मा शर्मा वर्मा सब है, सब पार्टी लाइन पे मुखालफत करें। नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के नहीं है। एडिशनल मिश्रा जी गुजरात के हैं, अजीत डोभाल एनएसए बने हैं, वो नॉर्थ इंडिया के भाई हैं। यहाँ पे आप ला जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पीओ में विदेश एक सवाल है। आप ये देखिए कि जो सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी थी, जिस तरह से पिछले 5 साल यूपीए का सेकंड टर्म में जिस तरह से कांग्रेस के सरकार के लोगों ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस है, सरकार में कामकाज नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहे हैं, उन तमाम ब्यूरोक्रेट वरिष्ठ जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे अगर मिलके उनको कहता है कि आप निर्णय लें और निर्णय में देश हित में निर्णय लें, सही निर्णय लें, इस कदम को आप क्या कहेंगे? अगर वो कहता है कि आप चाहे जिस तरह के घोटाले और जिस तरह के बड़े बड़े घोटाले हुए उससे तमाम लोग डरे हुए थे, निर्णय नहीं ले रहे थे, वो कहते हैं आप निर्णय लो। इसका सही इम्पैक्ट ये होता कि कंसर्न मिनिस्टर को भी साथ में बिठाया जाता, एक एक मिनिस्ट्री की ली जाती है। जब आप उनको नसीहतनामा दे रहे हो, हिदायतनामा दे रहा हो तो मंत्री को बताना क्या करना है? मंत्री चोर है क्या? मंत्री डाकू है या मंत्री? अरे ये तो इस्तकबाल कर ले, उसको आप सेक्रेटरी को उत्साहित करना चाह रहे थे, मंत्री को ही बुला ले। वही सेक्रेटरी थे ना जो मंत्री के अंदर में ही काम कर रहे हैं, वो मंत्री के अंदर में ही काम मंत्रालय में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस मेरे मेरे सबॉर्डिनेट को बुला के उससे अलग बात करोगे मेरे पास क्या मैसेज जाएगा? नहीं नहीं, वो मुझे बुलाओ, वो अभी बुलाओ मेरे सेक्रेटरी को भी बुलाओ, उससे कहो मंत्री भी जब सेवा का अकाउंटेबल गवर्नेंस के बारे में वर्क होता है। इस देश को ब्यूरोक्रेसी चलाती है और वो कलेक्टिव वर्क होता है जी। अनीश दुर्रानी को पहले यह समझना चाहिए कि उन्होंने कैसा देश उत्तराधिकार के रूप में दिया है, मूल बात तो यह है जी। अब मैं आपको बहुत बढ़िया देश दिया हमने, बहुत बता रहा हूँ ना, जब दिया हो तो हमको भी बोल। जो कुछ निर्णय आएंगे कोर्ट से, जब निर्णय जब कोर्ट से निर्णय आएंगे तो ये जितना भ्रम फैला रखे कोर्ट से निर्णय छोड़ दो, उस पर मैं भ्रष्टाचार पर भी नहीं जा रहा हूँ जी। ये पहली बार आप समझिए कि हमारा जो देश है उसमें जो मेन विकास का जो होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसको समझ लीजिए जी, वो आगे जाने के बजाय पीछे चल रही है माइनस में। ये 1991-2 में और 1979-80 में हुआ था जब माइनस में थी, और इसके कारण देश का पूरा विकास ठप है। 4.9% आपका विकास दर है, ये डूब मरने की स्थिति में आपने दिया। डूब मरने की स्थिति नहीं है, सारे विश्व को देखिए, सुनिए ना, सारे विश्व के सारे विश्व के अंदर रिसेशन आया हुआ है। मैं पूछता हूं, डूब रहे हो 2000 पूरी 2000 ये अभी 14 में जब छोड़ गए हैं आए थे। अरे ये मानेंगे नहीं, 12 बिलियन डॉलर छोड़ के आए, वो कह रहे खजाना खाली है, भाई डूब के बेच रहे हैं। देखिए 2004 में जब आए थे तो 500 बिलियन डॉलर था आपके पास खजाने, और जब 2014 के अंदर छोड़ा भैया ऐसा। आनंद शर्मा का भाषण पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो राजस्व जो हमारी आती है,
आज केवल कर को, जो कर्ज है ना हमारा, उसको चुकता करने में और लोगों को वेतन देने में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। एक नया पैसा नहीं बच रहा है। दो एक तीसरी बात और मैं कह रहा हूँ, तीसरा जो सिचुएशन इन्होंने दिया है वो दिया है, जो क्या दिया, लेकिन अब कर क्या रहे, इस पे आना चाहिए हमें। नहीं नहीं, तो सवाल है, एक बात तो ये जो कह रहे थे, इसलिए देश इस हालत में मिला है कि एक तो निराशा का माहौल है देश में, एक जो है सरकार का इकबाल गिरा हुआ है, दूसरा इस देश में ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री मनमोहन सिंह चाह के भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, सिक्योरिटी लेवल पर जो है वो कोई हमारा देश जो है बिल्कुल निराशा की हालत में है। अब उसमें नरेंद्र मोदी को काम करना है तो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तो नरेंद्र मोदी अब कैसे काम करें, तो कुछ काम जैसे महंगाई का मुद्दा है, सबसे ज्यादा मीटिंग इस सरकार ने महंगाई पर लिया है, 8 बड़े स्टेप उठाए हैं, ये महंगाई पर नियंत्रण नहीं है लेकिन जनता तक सामान सस्ता पहुंचाना है, माने महंगाई कैसे रोकेंगे इनकी समझ में नहीं है। प्याज का आपने एक्सपोर्ट जो है 300 करके वो करके रोक दिया, आप इसको रोकने जा रहे हैं आलू के एक्सपोर्ट को, 8.3 जो है मिलियन टन, आप चावल बाजार में 8.30 रुपए बेचने जा रहे हैं, ऐसे कई कदम इन्होंने उठाए हैं, वो महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, जनता तक पहुंचे, मेन चीज महंगाई थी। भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है आपने देखा, ओएसडी और बाकी वो सब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि दो मामलों में मैं इस सरकार से निराश हूं, इराक के मामलों में ये कायर सरकार और कायर जैसा देश दिख रहा है, और जो कुछ आर्थिक बोझ लाद रहे हैं उसमें जनता लोकतांत्रिक नहीं है, जनता को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। दो अहम बातें हैं, अदीब साहब आपसे जानना चाहते हैं, आप देखिए सेंसेक्स 25,000 का जो लेवल है उसको पार किया, उसको भी छोड़ दीजिए, डॉलर और रुपीस दोनों चीजों को आप देखिए, रुपया मजबूत हुआ है, और जिस तरह से लगातार इसके बावजूद कि इराक में जो अनरेस्ट है, इसके बावजूद भी अगर रुपया मजबूत हुआ है, तो जो इन्वेस्टर्स का जो पैसे भारत में डॉलर जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन 30 दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार का जो निर्णय रहा है उससे कम से कम निवेशकों में या जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनमें जो आत्मविश्वास की सरकार में कमी थी, यहाँ पे जो सरकार में जिसे पॉलिसी पैरालिसिस पहले देखा जा रहा था, उससे लोग उभर के आगे आ रहे हैं, कुछ तो निर्णय ऐसे लिए होंगे, लिए जा रहे हैं, जिससे ये निवेशक का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दिलीप साहब, एक बात तो मैं ये कह दूं कि अब हमने अभी काफी वक्त इस पे लगा दिया कि वो खराब थे, वो अच्छे थे, उसको जी बिल्कुल, ये स्टेज नहीं है, आगे बढ़ते, अगर खराब थे जब ही वो बाहर बैठ गए, बिल्कुल, आप एक उम्मीद लेके आए हैं, ये जहां आपने कहा कि सेंसेक्स ऊपर गया, कारपोरेट जगत नहीं, रुपया और डॉलर, रुपया मजबूत हुआ, देखिए नहीं ऐसा मजबूत नहीं हुआ है, अभी नीचे गया था जी, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आ गया, फिर अभी मजबूत हुआ है, फिर 60 रुपए हो गया जी, ये कोई बहुत मजबूती नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस भले ही बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा का आम लोगों का भी उम्मीद है, लेकिन कि लोग चाहते हैं कि तुरंत अभी 30 दिनों की सरकार, 30 दिनों के सरकार से परिणाम चाहते हैं। सरकार को जो जी सबसे बड़ी चुनौती है जी, वो चुनौती ये है कि जो इतना ज्यादा आशाएं दे दी हैं, इतनी ख्वाब दिखा दिए हैं जी, कि सड़क चलता हुआ आदमी ये समझने लगा था कि मोदी जी जिस दिन बैठेंगे सारा काला धन आ जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा 30 दिन में, नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस ने इनको मुसीबत में डाल दिया है जी। प्रैक्टिकली सेंस ये है कि कम से कम 6 महीने हर सरकार को देना चाहिए, और जैसा अभी आदेश जी ने कहा कि कुछ फ्रंट पर इनकी बहुत कमजोरी है, इनकी अभी इंटरनेशनल पॉलिसी क्लियर नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि वर्ल्ड लीडर कैसे बना जाता है, उसमें शायद कुछ दिनों में ये सीख जाएंगे। आप 30 दिनों में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए सरकार के 30 दिन बहुत कम होते हैं, मैंने 6 महीने इनको मिलने चाहिए, अभी तो 60 महीने की बात है। मैं आपके पास वापस मेरा सवाल है कि लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि बड़ी कठिन डगर है, ये बहुत आसान नहीं है, इसलिए कि जब नौजवान बच्चा जब वो सड़कों पर आता है, जो बात अभी कही गई हमारे साथियों ने कही, एक एक इस तरह का डिसीजन लेने से पहले जी उनको चाहिए था कि वो चलिए आते व्हाइट पेपर देते, लेकिन आए कैसे, इसलिए कि यही लोग आज से जी 2 महीने पहले
फाइनेस्ट अपोजिशन लीडर इन द वर्ल्ड थे, हर बात का एक तमाशा खड़ा करते थे जी। ये ऐसे लीडर थे जिन्होंने दो साल तक पार्लियामेंट को बिल्कुल निकम्मा करके छोड़ दिया, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया। लेकिन अब एफिशिएंसी इन्होंने ये दिखाई, अभी जो तीन दिन का सेशन हुआ उसमें क्योंकि अपोजिशन अब रही नहीं, तीन लोगों ने आवाज उठाई, तीनों को सस्पेंड कर दिया राज्यसभा में, माफी मांगनी पड़ गई, पूरे पूरे सेशन चलने नहीं दिए। अब कहा कि नहीं, अब हम करेंगे जी। तो ये इनकी बेहतरीन जो थी, ये दो साल से बराबर पार्लियामेंट ना चल के सड़कों पे आ रहे थे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही कि कैसे आके करें ये। चलिए अदीब साहब, जब कुछ करने को नहीं होता तो पॉलिसी नहीं होती तो सड़कों पर ही आता है। तीस दिनों के कई और तीस दिनों के कई और जी आपके पास आते हैं। तीस दिनों में आर्टिकल 370 पे बहस छिड़ी, विवाद हुआ। मैं आपको कुछ बहस प्रारंभ हो ये कहा, मैं विवाद करने के तो करेंगे ना। एक स्मृति ईरानी के कोर इशू है, एफिडेविट पे जो उन्होंने एफिडेविट पे उस पे विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी आई बी रिपोर्ट जो एनजीओ को लेके हुआ वो भी तीस दिनों में देखने क्या को मिला। गलत है उसमें, मैं पूछूं हमारे टाइम के तो नहीं बन। अब विवाद तो विवाद शब्द ऐसा हो गया है पत्रकारों के दिमाग में। मेरा पूरा सवाल आपका सिखाया हुआ है भाई, जो निहाल चंद है रेप केस में, निहाल चंद को उसका नाम क्यों ले रहा हो, आपने क्लीन चिट दी, उसका नाम क्यों ले रहा हो। अशोक गहलोत सरकार ने दो साल पहले क्लीन चिट दी हुई है, कांग्रेस की सरकार में केस हुआ, कांग्रेस ने क्लीन चिट दी। पूरे सवाल को जीरो टॉलरेंस कहते थे, जीरो टॉलरेंस होगा विघ्न अत्याचार के ऊपर, जो अपने पति के ऊपर आरोप लगी है इस हफ्ते क्या लगी हुई है बताए ना। दिल्ली के अंदर अशोक गहलोत ने क्या क्लीन चिट दी नहीं दी, जवाब दे कांग्रेस ही दे, आप दे, एक मीडिया के आदमी नाक के नीचे इसी हफ्ते के अंदर के साथ बलात्कार हुआ। दूसरा मैं सवाल दूसरा बताया जाए, सवाल निहाल चंद को अशोक गहलोत सरकार ने मोरली इस्तीफा दे देना चाहिए था भाई, अरे मोरल की बात देना चाहिए था। अनंत किशोर जी, अनंत किशोर जी, एक मिनट, एक मिनट, आपसे पूछा जा रहा अदीब साहब, अदीब साहब पूछ रहा हूं, अदीब साहब एक सवाल, क्या सवाल दिया मोदी जी ने, मेरा सवाल अच्छा रेप करते रहे किशोर जी, अनंत किशोर जी, मेरा सवाल जो विवाहित औरत अपने पति पे आरोप लगा रही है कि मुझे नशे के अंदर के बाद अफसरों के पास भेजते थे, उसके बाद जांच करने के बाद अशोक गहलोत सरकार, सवाल अलग है, मंत्री जेलों में पड़े, सवाल अलग है। आप एक शरीफ जेलों में पड़े ना, तो इंसाफ करने बयान तक नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस सरकार ने क्लीन चिट दी, तो बयान देने अफसोस कर देगा इस औरत के साथ। सवाल अलग था, सवाल अलग था, हर सवाल के ऊपर बोलने की आदत बना लेना। अब कांग्रेस सरकार ने क्लीन चिट दी, हमने नहीं दी, आपका काम डिफेंड कर किसी एक शेड्यूल कास्ट जो चौथी बार जीत के आया उसको खराब करने की कोशिश, सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल वो है, जबकि वो ट्रेडिशनल कांग्रेस के परिवार का, मैं ये भी बता दूं, उसके पिताजी चार बार कांग्रेस में एमपी रहे हैं। इसको कहा जा रही है प्रधान आ जाए मिलने जा रही है, प्रधान आ जाए, एक जो औरत ये कह रही है कि मेरा पति मुझे भेजता था इंजेक्शन लगा बाद कांग्रेस सरकार ने कहा ठीक है, समय कम है। मेरा जो सवाल कांग्रेस साहब एक सवाल है, मैंने कई सारे, अब देखिए हिंदी पे विवाद हुआ, हिंदी विवाद का एक बढ़ावा देने के पूरे राष्ट्र पे, आप पूरा सवाल, आप पूरे जवाब दिए, आप पूरा, मैं कह रहा हूँ नजमा हफ्तुल्ला ने जो मुस्लिम आरक्षण पे बात कही, क्या गलत कहा, मैं क्या गलत कहा, मेरा सवाल तो सुने आप, मेरा सवाल सुने आप, बताइए नजमा ने कौन से शब्द गलत कहा, मेरा हम मैं कोई जजमेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी, आप मैं दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक से पहले मैं 10-10 पॉइंट भी लिख सकती, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 साल और 4 साल के कोर्स पे हमारा वायदा था, हमने 3 साल आप जो गवर्नर के मामले यूपीए सरकार में, यूपीए सरकार में, एक से मैं पूरे सवाल को सुन ले, एक बार निवेदन है कि पूरे सवाल रिमूवल करने की बात, उनको हटाने की बात है, उनसे इस्तीफा मांगने की बात आई, उस पर विवाद हुआ, आइडिया एक निकल के आया कि प्लानिंग योजना आयोग को खत्म किया जाए, या जो एक सेकंड पूरी, एक आखिरी पॉइंट है, और वीके सिंह का जो कमेंट था अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ, आप अगर 30 दिनों में देखें कि कई सारे ऐसे छोटे छोटे बड़े, जिसका कि आपके पास जाहिर है इन तमाम चीजों का आपके पास जवाब होगा, आप जवाब जरूर दें, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 30 दिनों में जितने विवाद पैदा हुए और जितने
निर्णय लिए गए उसमें से ये कौन से मैं पूरा सवाल विवाद होंगे। चलिए मैं आप उसको खारिज ने तुरंत ये मेरा सवाल आखिरी किया है मेरे सवाल का हमने उसको मान लिया है। वीके सिंह मैं कह रहा हूं अपनी जगह रही होगी हमने देश हित के अंदर जनरल बिल्कुल सुहागपुर को आदमी मंत्री मेरा सवाल योग्य है ना आदमी मंत्री कांग्रेसियों को बड़ी जल्दी अभी आप 10-20 साल तो जल्दी सत्ता में नहीं आने वाले अब आप लोगों को है देश में परिवर्तन करना चाहते हैं जल्दी है मुझे 7 महीने में 60 साल का काम करना चाहते हैं जल्दी यूं है कि डोनेशन नहीं मिले आपको पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हुआ आपकी हमारे को आपको इन्वेस्टमेंट डोनेशन साहब हमने 30 दिनों में सेवा करनी 30 दिनों में 30 दिनों में आप कौन कौन से ऐसे काम मानते हैं जो देश के हित में बहुत बेहतर हुआ है ये बता दें। एक संकेत हमारे प्रधानमंत्री ने दे दिया कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है जी। ब्लैक मनी के लिए स्विट्जरलैंड घबरा गया उसने कह दिया कि हम लिस्टें देने को तैयार हैं जी। इस देश के अंदर जितने आवंटन होते थे जी कोयले के खानों के इसके उसके उसके लिए पॉलिसी क्लियर आ गई जी। कोई आवंटन नहीं जी, होगा ये ऑक्शन से देंगे जो भी इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस देश का इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश का इन्वेस्टर इस देश के प्रति सद्भाव रखने वाले व्यक्ति पूरी आशा रखते हैं और हम उन आशाओं पर खरे उतरेंगे ये हम लोगों को पुनः विश्वास दिला। 30 दिन के अच्छे काम आपको कुछ तो याद होंगे या विरोधी हैं विरोध में हैं लेकिन कुछ तो अच्छे काम आपको याद होंगे ये सरकार 30 दिनों में अभी ये मैं तो ये देख रहा हूँ अच्छे कामों से ज्यादा गलत काम ज्यादा भारी पड़ रहे हैं ये तो भारत में तो यही टाइम दे रहा हूँ ठीक है मैं तो यही देख रहा हूँ अच्छे टाइम दे दो थोड़ा सा और हर चीज ये अपने जिम्मे ले रहे हैं मसलन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये ब्लैक मनी को लिस्ट बनाई जाए और एसआईटी बना दिया उस पे एसआईटी बना दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो ये उसको कह रहे हैं कि हमने करा दिया हमने सरकार ने निर्णय लिया अच्छा निर्णय है आप उसका स्वागत करेंगे नहीं निर्णय की बात नहीं अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हमने ईमानदारी बरती हमने काम नहीं बनाएंगे इसको आने वाली गवर्नमेंट बनाएगी जी बहुत सारी ईमानदारी चिल्लाते चलिए फिर ये समय समय खत्म हो रहा है लेकर के अदीब साहब क्या क्या करके गए अदीब जी अदीब साहब 30 दिन की जो अगर पूरे चीजों का लेखा जोखा किया जाए तो एक झलक जिसे कहते हैं झलक दिखला जाए तो अगर ये झलकियां ग्रुप में देखा जाए तो कौन से ऐसे काम आप देख रहे हैं जिससे वाकई भारत का जो दिशा है जो दशा है उसमें परिवर्तन आपको दिलीप साहब आ सकता है जो, वो कौन से जो ब्लैक मनी की बात वादा किया था जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी इस मुल्क के लिए जी। हमारी सारी खराबी ब्लैक मनी से है मैंने पार्लियामेंट में कहा था SIT बनाने से कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए कि उनकी स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट का ये अप्रूवल है उनका लॉ है कि वो नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिक के लिए आपने कर दिया। ब्लैक मनी सबसे ज्यादा जनरेट कहां से होती है ये जो जमीनें हैं जी तीन ये, आप मैं बिल्कुल आपको बात बता दूं क्या है असल समय खत्म हो गया इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं एक बात बता दूं जी मैंने पार्लियामेंट में जो कहा वो कहना चाहता हूं मैंने कहा कि मोदी साहब और आपकी सरकार सिर्फ NCR की अगर एक हफ्ते की डील देख लें कई हजार करोड़ रुपए ब्लैक मनी के बनते हैं 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होती है और मालूम हुआ कि बेचा गया है 100 करोड़ का वो पैसा कहां जाता है वही पैसा सब जगह घूम रहा है जिसको कहते हैं ना आवारा पूंजी वहीं से पैदा होती है उस पर इस सरकार का कोई लफ्ज नहीं आया। चलिए और मैंने ये बात पिछली गवर्नमेंट से भी कही थी कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस खोल रखे हैं रोज नोएडा गाजियाबाद दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद करोड़ों खरबों रुपया रोज ब्लैक मनी का आता है ये कहां खर्च हो रहा है। चलिए 10 रुपए की चीज 1000 रुपए की बिक रही है आप वही पकड़ लेते काम हो जाता। अच्छे दिन और कड़वी गोली इस दोनों के 20-30 दिन में जो चीजें दिख रही है वो अभी इस वक्त इस अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत इसे माना जाए। नहीं सरकार के मूल बात है कि सरकार के काम करने के सरकार के व्यवहार के चरित्र में एक अंतर दिख रहा है
लेकिन जो अपेक्षाएं थी मेरे जैसे लोगों को, उस कसौटी के अनुरूप ये चरित्र नहीं है। 30 दिन बहुत कम समय है उसके लिए। नहीं, 30 दिन नहीं, वो 30 मिनट का काम है कैरेक्टर पहचानना। आप क्या बात कर रहे हैं, ये 30 मिनट 30 घंटे का कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आज मैं प्राइम मिनिस्टर बना और रात में हमारे देश पर हमला हो गया, तो हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे? पुष्पेंद्र, अवधेश जी बहुत जल्दी में, अवधेश जी जैसे लोग बहुत जल्दी में कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आप नहीं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काम करने के तरीके से इस देश की जनता प्रभावित होती, और वो संभावना थी, वो प्रभावित नहीं हुई, नहीं हो रही है, ये मेरी चिंता है। नहीं, मैं मानता हूं कि देखिए, जो 30 दिन में बातें हुई हैं, चाहे विवाद हुए हैं या कुछ फैसले लिए हैं, उसको ये कह देना कि ये फैसलों पे, सारी चीजों पे निष्कर्ष आज ही निकाल लिया जाएगा, मैं नहीं समझता। लेकिन ये बात जरूर है कि इस सरकार ने, चाहे पिछली सरकार के करे हुए कई कामों को आगे बढ़ाया, चाहे रेल किराए का मामला हो, चाहे आईबी की रिपोर्ट मामला हो, चाहे उस मंत्री को गहलोत जी की रिपोर्ट दे दी गई कि साहब वो क्लीन चिट है, बट मेरा कहना ये है कि हुकूमत की तरफ से ये जरूर लग रहा है कि अगर इस मुल्क में उनको कड़े फैसले उठाने भी होंगे तो वो उठाएंगे। लेकिन मेरा हल्का सा सवाल ये है कि आज ही बहुत सारे महाराष्ट्र के एमपी भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री से मिले हैं। अगर ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के चुनाव को ध्यान में रख के कहीं रोल बैक होता है, तो यह मोदी सरकार के लिए एक धब्बा होगा कि आप चुनाव की जीत हार के गणित को ध्यान में रखते हुए रोल बैक कर रहे हैं। यह जो सवाल है, इससे चरित्र इनके उस पे, इनका जो पूरा एटीट्यूड है, इनका जो पूरा एटीट्यूड है, उस पर सवाल होगा। आपको कड़े फैसले लेने लीजिए, आपने बहुत सारे फैसले लिए, उसका खैर मकदम भी हुआ, आपने सार के नेताओं को बुलाया, लोगों ने छोड़ दिया, ये नहीं कह रहा कि गलत बड़ा, मत मैं कह रहा हूं कम से कम अभी हम ये कह दें कि 30 दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, उससे ये तो दिखता है कि ये सरकार कुछ एक्शन में है, कुछ कर रही है। हो सकता है कुछ मामलों पे नहीं बोले, जिसमें मेरा मानना ये है कि इराक जैसा एक इंपॉर्टेंट मामला था, जो एक अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए, जिस पे उसमें भारत को लाइन लेनी चाहिए, विदेश मंत्रालय भी उस पर कोई लाइन नहीं लिए। मैं ये कह रहा हूं, वर्ड लास्ट वर्ड फ्रॉम नंदकिशोर जी, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं, जिस तरह के हिमालयन एक्सपेक्टेशंस उसके कहते हैं, उस तरह की उम्मीदें हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे एक महीना सरकार? इतनी उम्मीदें लोगों की हमारे प्रति हैं, सद्भावना भी है, लोग ये भी मानते हैं कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए 5-6 महीने कम से कम चाहिए शुरुआत के। इसलिए मेरा ये मानना है कि बजट सेशन जी, बजट जो बजट अभी आने वाला है, सेशन से उसका इंतजार करना चाहिए। अदीप साहब ने रेल बजट, आम बजट का इंतजार, इकोनॉमिक सर्वे का इंतजार करना चाहिए। 15 और ये 12 बजने आए, अभी 4 घंटे बाद जी, रेल किराए वाली बात भी जो मेरे मित्र ने कही, पुष्पेंद्र जी ने जी, कि रोल बैक कर, वो 12 बजे से लागू हो जाएंगे, तो कम से कम ये इश्यू इनके दिमाग में क्लियर होगा। हाँ, आज दुष्प्रचार करके 14% को 3 गुना बताया जा रहा है जी, लोगों को एक पैनिक ही करने के लिए कि मुंबई में 114 का 300 कुछ हो गया। अरे कोई बताने वाला ये तो बताए किस आधार पे? एक लाइन बोल के खत्म करिए। मैं कह रहा हूँ कि वो जो क्या नाम है, गुलाम अली का जो वो गजल है कि मेरा मजलिसे तबस्सुम, मेरा क्या है, मेरा मजलिसे तबस्सुम मेरी महफिल नहीं है, पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, कोई राजदा नहीं है। इस प्रकार के सरकार का कैरेक्टर हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये सरकार का जो कैरेक्टर दिख रहा है वो बिल्कुल बंद होके काम करने का और टेलीविजन पर आके बयान करने का हो गया है, वो मुझे स्वीकार नहीं है। चलिए, उम्मीद है आनंद किशोर जी कह रहे जी कि नया मुर्गा जो होता है उसकी बांग बड़ी मजबूत होती है, तो अभी तो नया मुर्गा है, बांग बहुत जोर की है, कुछ दिन चलने दीजिए फिर देखेंगे। कुछ नहीं, मुर्गे की बांग जो है, मुर्गे को भी ये उठाते हैं, प्रधानमंत्री का वक्त हो गया ऑफिस चलो, इसलिए ये नहीं कह सकते। हक नहीं है कांग्रेस को बोलने का, हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अदीप साहब, पुष्पेंद्र, अवधेश जी, नंदकिशोर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।